जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव रैली में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथियो। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में चुनाव रैली की चार महत्वपूर्ण सीटों डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और पाडर नागसेनी पर संघन चुनावी यंग की तैयारी है। 2014 में भाजपा ने इन चार में से तीन सीटों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के तहत चुनाव वैली की पांच सीटों में से तीन सीटें शामिल हैं। इस बार कांग्रेस और नेका ने भाजपा के खिलाफ सीधी चुनौती पेश करने के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा की जीत का अंतर 2014 में 4% वोट से कम था, जो इस बार भी निर्णायक हो सकता है। कांग्रेस ने इंद्रवल पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब जीएम सरूरे के डीपीएपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। चुनाव में दिलचस्पी ये है कि भाजपा ने किश्तवाड़ और डोडा सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं, जबकि कांग्रेस और नेका ने भी इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी रण में उतरी है। भाजपा ने किश्तवाड़ में पूर्व विजेता सुनील शर्मा की जगह शगुन परिहार को सीट दिया है। वहीं डोडा सीट पर भाजपा ने गजेंद्र सिंह राणा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भी इस बार उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है, जो आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इन चुनावी संबंध में हर पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और चुनाव वैली की सीटें किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27।